थोड़े से स्पाइसेस, प्याज, टमाटर और साथ में फ्रेश कोकोनट को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट एग करी। ये बहुत ही सिंपल, कंफर्टिंग और बहुत ही डिलीशियस मील है और इसे हम पेयर करेंगे चावल के साथ। चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। कोकोनट एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अंडों को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर एक पॉट में पानी डाल लेंगे हम। यहाँ पर मैं दो लोगों के लिए एग करी बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने चार अंडे लिए हैं। अब इन्हें पानी में डाल के इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। एग्स हाई प्रोटीन होते हैं, सो अगर आप अंडे खाते हो तो ज़रूर आप इन्हें इंक्लूड करें अपने डाइट में। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पर एग्स को रिप्लेस करके पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस रेसिपी में। पनीर के साथ भी उतनी ही बढ़िया रेसिपी बनेगी। अब हम अपनी करी के लिए मसाला बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप फ्रेश कोकोनट लिया है, इसे ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 लाल सूखी मिर्चें ली हैं और साथ में 1 इंच अदरक लिया है और उसी के साथ 5 से 6 लहसुन लिए हैं। साथ में मैंने 5 से 6 साबुत काली मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून धनिया, अखा धनिया है ये, इसे भी डाल देंगे और साथ में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इमली ली है, इसे भी डाल देंगे और उसी के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में 1 टीस्पून जीरा भी डाल देंगे, ये साबुत जीरा है और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे यहाँ पर हम इसे ग्राइंड करने के लिए और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे हम। बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया, कितना ही स्मूथ पेस्ट बना है। इसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर एग्स अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। मीनवाइल यहाँ पर हम अपने प्याज को भी काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। चलिए अब हम करी भी बना लेते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसे हल्का गर्म कर लेंगे और उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें हम 1 टीस्पून राई डाल देंगे और राई के साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ते लिए हैं, इसे भी डाल देंगे और हल्का सा राई को चटकने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। अगर आपको एकदम से स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर इस प्याज को ग्राइंड कर कर भी ऐड कर सकते हो। अब हम अपने टमाटर भी काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। आप जब भी इस रेसिपी को बनाओ मेक श्योर थोड़ी सी ज़्यादा बनाना, एज इट टेस्ट सो गुड एंड एवरीवन विल लव इट। सबको बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं, इनमें एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसी स्टेज पर यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ मीडियम आंच पर। क्रीमी, स्पाइसी, डिलीशियस और फ्रेश करी पत्ता ऐड करने से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है और साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी भुन जाते हैं। एग करी बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे फॉर्म्स में बनती है। इनफैक्ट एवरी फॉर्म इज ऑसम, बट दिस कोकोनट वाला वर्जन हमेशा बेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से भुन गए हैं प्याज के साथ और टमाटर को भुनने के लिए यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसी स्टेज पर हम अपनी ये पेस्ट डाल देंगे। आप यहाँ पर पेस्ट का कलर देखो कितना ही बढ़िया आया है और इसे प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इन सबको यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था तो उसमें हल्का सा पानी डालकर उसे भी डाल देंगे पैन में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे इस मसाले को। यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन गया है प्याज टमाटर के साथ। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर 1 कप पानी डाल देंगे और इस पैन पर ढक्कन लगाकर इस ग्रेवी को कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर। अब एग्स भी हल्के से ठंडे हो गए हैं, इन्हें पानी में से निकाल लेंगे और इन्हें छीलकर एक साइड पर रख लेंगे। ये जो कोकोनट एग करी है, दिस टेस्ट सो यम,
अगर आप इसे गरम चावल के साथ सर्व करते हो, आई पर्सनली लव दिस कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट ये एक परफेक्ट ट्रीट है विद इनक्रेडिबल फ्लेवर्स। एंड अगर आप इस करी को कभी भी बनाएं, हमेशा फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल करते हुए बनाएं, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम करी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी करी बनकर तैयार है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर यहाँ पर हम बॉइल्ड एग्स डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर से हम इस पैन को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे, सो दैट बॉइल्ड एग्स के साथ करी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बॉइल्ड एग्स में भी उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर हमारी करी बनकर बिल्कुल रेडी है और इसी के साथ हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करके करी में एक फ्रेशनेस आएगी। फिर से हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी करी बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व भी कर लेते हैं। स्पाइसी, टैंगी, फ्लेवरफुल करी के साथ कोकोनट का टेस्ट, दिस करी इज अमेजिंग। ये एक यूनिक ब्लेंड है। Taste of boiled eggs in this amazing curry is something absolutely mouth-watering. आप जरूर try करें इस recipe को। बहुत ही simple और आसान है। ये इतनी tasty recipe है कि आप इसे बार-बार बनाकर खाएंगे। अगर आप इस recipe को और rich और creamy बनाना चाहते हो, तो आप इसमें 1/4 कप coconut milk का भी इस्तेमाल कर सकते हो। This meal is very satisfying and flavorful with उबले हुए अंडों के साथ जो हमने कुक किए हैं, स्पाइसी प्याज टमाटर ग्रेवी और साथ में फ्रेश कोकोनट। ये बहुत ही अमेजिंग और यूनिक फ्लेवर्स हैं। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आपने देखा कितनी ही इजी और क्विक से बन जाती है ये कोकोनट एग करी। ये बहुत ही सिंपल, डिलीशियस और कंफर्टिंग मील है। और आपने देखा हार्डली हमें 20 से 25 मिनट लगे टोटल इसे बनाने के लिए। और आपने नोटिस किया हमने हार्डली ही कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में, और फिर भी ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।